सीएम भूपेश बघेल चुनाव अपना जीत चुके हैं, विधानसभा चुनाव सीएम भूपेश बघेल की जीत हुई। विजय बघेल का यह कहना था कि जब रिजल्ट आएंगे 3 दिसंबर तारीख आएगी तब हम देख लेंगे, लेकिन उनके दावे धरे के धरे रह गए। सीएम भूपेश बघेल की जीत हुई है पाटन विधानसभा सीट से अपर्णा, और इस आत्मविश्वास की वजह यह भी थी कि वो एक बार हरा चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में 2023 विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल जीत गए हैं और नारायणपुर से बीजेपी के केदार कश्यप जीते हैं। और ममता लांजेवार का रुख करेंगे हम, हमारे साथ जुड़ गई ममता जी। बिल्कुल ममता, जो सूरत हाल है अभी छत्तीसगढ़ का, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप नजर आती हैं, शायद मुझे निराशा वहां पर होगी, सन्नाटा पसरा हुआ। बिल्कुल, देखिए सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो बहुत ज्यादा रौनक दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब कांग्रेस दफ्तर में जो जितनी गहमा गहमी थी वो गहमा गहमी जो है वो कम हो गई है, और बीच में तो ये माना जा रहा था कि नतीजे बदल सकते हैं, लेकिन अब अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो किस तरह से चिंतित नजर आ रहे हैं, और आपको देखेंगे ग्रुप ग्रुप में आपको दिखाई देंगे, अलग अलग ग्रुप में इस बात को लेकर वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये पूरा जो कांग्रेस दफ्तर है एक तरह से कहें कि यहाँ पर सन्नाटा पसर गया है, और सब ये हैरान है। उनका कहना है कि जो भी ये जरूर था कि कुछ एग्जिट पोल जो है उसमें ये बताया गया था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन इस तरह के नतीजे आएंगे इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तमाम वो बड़े चेहरे, मैं एक बार और अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आपको वो दिखाएं जो पोस्टर लगा हुआ है कांग्रेस भवन के बाहर, भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार, जिसमें 5 बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, चरणदास महंत दिखाई दे रहे हैं, दीपक बैस दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं, टीएस सिंहदेव दिखाई दे रहे हैं, ताम्रध्वज साहू दिखाई दे रहे हैं। तो पहले ये था कि भूपेश पर भरोसा नारा था, और उसके बाद भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार, इस नारे के साथ जो है वो ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि कलेक्टिवली जो है वो कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन ये चारों चेहरे जो है, चाहे वो पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज हो, चाहे चरणदास महंत हो, चाहे टीएस सिंहदेव हो, चाहे ताम्रध्वज साहू जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, और एकमात्र चेहरा जो है भूपेश बघेल एकमात्र जो है वो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा शॉकिंग है कि कोर कमेटी के, कोर ग्रुप के तमाम जो नेता है वो हार गए हैं चुनाव एक तरह से, और कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही है। कहीं उनको लगा था कि चलिए आप पार्टी के नाम पर अगर नाराजगी है तो प्रत्याशी के नाम पर वोट मिल जाएंगे, प्रत्याशी के नाम पर नाराजगी है तो पार्टी के नाम पे वोट मिल जाएंगे, लेकिन ये तमाम जो कयास है वो धरे के धरे रह गए। कर्ज माफी का जो बड़ा वादा कांग्रेस ने किया था, ये लगा था कि ये जो है वो मैजिक नंबर तक पहुंचाएगा, लेकिन ये कर्ज माफी का जो वादा है उसका जादू नहीं चलता हुआ दिखाई दिया। यूथ फैक्टर आपके साथ नहीं दिखाई दिए। शहरों में अगर बात करें तो राजधानी रायपुर की देखिए कि सारी की सारी सीटें जो है वो ऐसा ये है कि बीजेपी के खाते में जो बिल्कुल ममता, सियासत का यही खेल है, कोई पास है तो कोई फेल है, कहीं जश्न का माहौल है, कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात यह हो गई, बहुत बड़ा नुकसान ये हो गया है कि उसके दिग्गज ही कई दिग्गज पीछे चल रहे हैं, अभी भी कई दिग्गज हार रहे हैं। ममता बिल्कुल देखिए, वाकई कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी एक शॉकिंग बात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो कांग्रेस का कहना था कि तमाम एग्जिट पोल से हम आगे जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अभी रुकिए, 56 जो एग्जिट पोल में जो सबसे ज्यादा दिखाए गए थे, नंबर दिखाए गए थे, हम उससे कहीं बहुत आगे जाएंगे। अब तक 75 की बात पर जो बड़े चेहरे ममता ने दिखाए पोस्टर पर, जिन पर भरोसा ना रखने की बात हो रही थी, लेकिन वो बड़े चेहरे भी यहाँ पर हारते हुए दिख रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल जीत गए पाटन से, और मैं यहाँ पर मिथुन अहिरवार से बात चाहूंगी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे ट्वीट देखने में, वो कन्हैया कुमार का ट्वीट नहीं था, मैं क्योंकि ऑनर आप सवाल के था, ऑनर आपसे ये सफाई दे रही हूं, माफी भी मांग रही हूं। खैर बढ़ते आगे, यहां पर जिस तरह से पूरा तस्वीर ही पलट कर रख दी है रुझानों के बाद, एग्जिट पोल से लेकर एग्जैक्ट पोल की तस्वीर कांग्रेस के हक में नहीं आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर यह कहा जा रहा था कि भले ही बीजेपी का भय दिखना चाहिए, लाइन आर्डर के नाम पर जो कांग्रेसीकरण करके रखे थे राजधानी में, उससे मुक्ति दिलाना हमारा स्पष्ट मत है। कानून का भय होना चाहिए, जो गलत काम करते हैं उनका शिकंजा होना चाहिए, और इसलिए इस छत्तीसगढ़ की जनता ने भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए सरकार बनाई है।
इस सरकार को मुक्त इसीलिए किया कि इस सरकार ने नए नए आयाम गठित किए भ्रष्टाचार के, और इसीलिए आधे लोग जेल में, आधे लोग बेल में, और आधे लोग इंतजार में। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, अब तो सत्ता पे रहेंगे आप लोग? अच्छा वातावरण में शहर का विकास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ प्रगतिशीलता के राज में खड़ा हो, डबल इंजन की सरकार, इसीलिए केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भाजपा दोनों मिलकर अच्छा छत्तीसगढ़ का विकास के काम करें, यही सोच को आगे बढ़ाना। कार्यकर्ता तो बुलडोजर